आयुर्वेद का ये इलाज कारगर, लीज थेरेपी दिखा रही है अपना कमाल। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि खून चूसने वाली जोंक आपका मर्ज भी ठीक कर सकती है। इन दिनों रीवा के शासकीय आयुर्वेद अस्पताल में लीज थेरेपी के द्वारा कई बीमारियों का इलाज किया जा रहा है, जो काफ़ी कारगर भी साबित हो रहा है और इससे मरीजों को काफ़ी फायदा भी हो रहा है। आयुर्वेद की लीज थेरेपी पद्धति के द्वारा कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। रीवा के शासकीय आयुर्वेद कॉलेज में इन दिनों इसी पद्धति के द्वारा कई रोगों का इलाज हो रहा है, मरीजों को काफ़ी फायदा भी है। इस पद्धति में शरीर के जिस भी हिस्से में इलाज करना होता है वहाँ पर जोंक छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद दूषित रक्त चूसने के बाद जोंक अपने आप उस हिस्से से अलग हो जाती है। आयुर्वेद के मरीजों के लिए ये लाभदायक पद्धति है। प्रभावित स्थानों से जहरीले तत्वों को बाहर निकालने के लिए जोंक का प्रयोग किया जाता है। जोंक के लार्वा में दर्द काम करने की ताकत होती है। आयुर्वेद में ये संहिता ग्रंथों में जो हमारे ग्रंथ हैं उनमें पहले से वर्णन है, इसका 3000 साल लगभग पुरानी चिकित्सा है, लेकिन लुप्त प्राय हो गई थी, इसको कोई यूज़ नहीं करता था, लेकिन हम लोगों ने इसको यूज़ करना प्रारंभ किया, जिसमें कि एलोपैथी में इसका कोई इलाज नहीं है। पैर काटने के अलावा, उंगली काटने के अलावा कोई इलाज नहीं होता। बर्गर डिजीज़ एक डिजीज़ होती है वो है, और माइग्रेन है, एक्जिमा है, हार्ट के ब्लॉकेज हैं, ब्रेस्ट में गांठ हो जाती है उसमें भी हम लोग लगाते, एक पेशेंट है अभी हमारे पास। तो इस प्रकार से और भी कई सारी डिजीज़ हैं जिसमें कि इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। एक पेशेंट हमारे पास इस समय चल रहा है, बर्गर डिजीज़ के का पेशेंट है, उसका उनकी उंगली, पैर की उंगली, दो उंगली उनकी काट दी गई थी, पहले किसी एलोपैथी हॉस्पिटल में दिखाया गया था, और वहाँ से उनको सलाह दी गई थी कि इसको जल्दी से आप ट्रीटमेंट लें, नहीं तो इसका अन्यथा जो है इसका घुटने से पैर काटना पड़ेगा। इसी बीच ही हमारे पास आए और हम लोगों ने इसका लीच के द्वारा और औषधियों वीरापन ने दी तो उसका ट्रीटमेंट शुरू किया, लगभग 7-8 महीने हो गए हैं और इनका पैर कटने से बच गया है। हनी, ये हमारे शास्त्रों में अभी दो प्रकार की जोंक बताई गई हैं, सविष जोंक यानी पॉइजनस और निर्विष यानी नॉन पॉइजनस। तो इनको पहचान कर हम लोग इनका यूज़ करते हैं, और नॉन पॉइजनस टाइप की जो जोंक होती हैं उन्हीं का इसमें हम लोग प्रयोग करते हैं।